अंजील मुकद्दस के एहतराम में हम सब खड़े हो जाएंगे। एहद जदीद में यहूना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 28 आयत से लेके 30 आयत तक, एहद जदीद में यहूना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 28 आयत से लेके 30 आयत तक सफ़र नंबर 105 पर है। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुँह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुका कर जान दे दी। खुदावंद के जिंदा पाक लाम के पढ़े और सुन जहाँ पे उसकी बरकत कर से नाजिल हो, आमीन। तशरीफ़ रखिए। हम खुदावंद का शुक्र थे आज शाम के लिए, इस रफाकत के लिए। जितने हमारे अजीज़ बहन भाई पहुँचे हैं और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं खुदावंद में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, कलाम के राजों भेदों को जानने के लिए अपने आप को होशियार रखें, अपने आप को होशियार रखें ताकि हम खुदा के कलाम को सुन सकें। आज का जो हमारा मज़मून है, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उसकी प्यास। आज मैं अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ रूहे पाक, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आज शाम के लिए, इन तमाम बहन भाइयों के लिए जिनको आपने चाहा, उन सब को आप लेकर आए। मैं इनके लिए आज ख़ास जिस्मानी और रूहानी शफा के लिए दुआ करता हूँ और हम सब को बरकत दे। और ऐ खुदावंद, मेरी ज़बान का ज़िम्मा ले, मैं वही कहूँ जो तू मुझे दे, तू मुझे देता जाए और मैं ऐसे शिगिर्दों की तरह आगे बांटता जाऊँ। और ऐ खुदावंद, तू आज के कलाम के वसीला से हमें ज़िंदा कर, क्योंकि ज़िंदा करने वाली रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐ खुदावंद खुदा, आज की इबादत का सारा जलाल तेरे नाम को पहुँचे। और ऐ खुदावंद, तू मेरी सारी वीकनेस को जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, तो मेरी सारी दर्द को, सारी तकलीफ़ को ऐ खुदावंद अपने यीशु नाम में दूर कर। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन। हमारा मज़मून क्या है? मैंने क्या कहा? खुदा यीशु मसीह की सलीब और उसकी प्यास। सैमुअल जो है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, इसकी कोशिश ये होती है कि क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमारे जुमे की इबादत को वाच करते हैं और लोगों की हमारे पास टेस्ट मनीज आती हैं, तो ये इस कोशिश में रहता है कि ज़्यादा वाजिया, अच्छे से अच्छी आवाज़, अच्छे से अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचे। तो मैं सैम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, अपनी सारी टीम के लिए जो मेरे साथ भाग दौड़ करते हैं। जब हम ये बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह की जब हम लफ्ज़ सलीब पर गौर करते हैं, तो सलीब का लफ्ज़ नए अहदनामे में 56 बार इस्तेमाल हुआ है और पुराने अहदनामे में लफ्ज़ सलीब नहीं, लकड़ी, दरख्त या सुली इस्तेमाल किया गया है।
सलीब जो पुराने वक्तों में एक लानति निशान गिना जाता था। अगर आप हवाला देखना चाहें तो आप पढ़ें, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़े, नहीं तो सुन ले। इस्तिशना 21 बाब उसकी 23 आयत में क्या लिखा है, वहाँ ये लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, खुदा की तरफ से मलाऊन है। और अगर आप इसको और अच्छी तरह से, इसके जो नए अदनामे में इसका जिक्र किया गया है वो गलतियों 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में, खुदावन यीशु मसीह ने भी इसी बात का जो पुराने अहदनामे का हवाला है उसको कोट करते हुए कहा, क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? जो हवाला मैंने आप लोगों को बताया कि जो सलीब पर लटकाया गया, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है? लानती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सलीब पुराने वक्तों में लानती और संगीन किस्म के मुजरमों को सलीब दिया जाता था, इश्तिहारी मुजरमों को सलीब दिया जाता था, जो बागी बगावत करते थे उनको सलीब दिया जाता था। लेकिन और पुराने वक्तों में जिंदा लकड़ी पर लटका दिया जाता था, मारने के बाद जो है जिंदा नहीं, मारने के बाद जो है उन्हें लकड़ी पर जो है दरख्त पर लटका दिया जाता था। लेकिन नए अदनामे में हम देखते हैं कि जिंदा मुजरमों को जो है सलीब पर दिया जाता था। सलीब, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सलीब खुदा का वो भेद है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने कुशीदा हैं। सलीब खुदा का वो मकाशफा है जो खुदा की मोहब्बत और इंसान के गुनाह की बात करती है। सलीब खुदा का वो मकाशफा है जो खुदा की कुदरत और इंसान की कमजोरी की बात करती है। सलीब खुदा का वो मकाशफा है जो खुदा की पाकीजगी और इंसान की नापाकी को जहर करती है। अगर हम सलीब की हकीकत को जानना चाहें, अगर हम सलीब की फलसफी को जानना चाहें, तो फिर 3 बातों को जानना बहुत लाजमी है। वो कौन सी 3 बातें हैं? गुनाह, खुदा की पाकीजगी और खुदा का तकाजा। और खुदा के तकाजे में 2 बातें हैं, अदल का तकाजा और मोहब्बत का तकाजा। तो अगर हम इन 3 बातों को ना समझ पाए तो हम सलीब को नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब आदम ने गुनाह किया, तो जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह किसके खिलाफ हुआ? खुदा, गुनाह खुदा की पाकीजगी के खिलाफ हुआ, क्योंकि खुदा पाक है। और अब यहां पर खुदा की मोहब्बत और खुदा का अदल बीच में आता है। खुदा का अदल यह कहता है कि गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दी जाए, और खुदा की मोहब्बत यह कहती है कि गुनहगार इंसान क्या हो जाए, बच जाए। तो यह कैसे मुमकिन हुआ? यह मुमकिन खुदा यीशु मसीह की सलीब के वसीला से हुआ। तो सलीब यानी अब अदल ये नहीं है कि कभी अदल कर दिया। अगर खुदा फर्ज किया कि खुदा अदल ना करता तो हमें सिफ से महरूम हो जाते कि खुदा अदल है। आज की अदालतों में अदल नहीं है,
अगर अदल है तो एक ही आदल खुदा जो है उसकी अदालत में अदल है। इसलिए हम कहते खुदा आदल है। आज दुनिया में झूठे मुकदमों को या सच्चे और सच्चों को झूठा बना दिया जाता है, इसलिए कि खुदा जो है दुनिया की अदालतें जो वो हैं जस्टिस हैं वो अदल नहीं कर पाते। इसलिए कल लिखा गया है कि वो ना अपनी आंखों देखे और ना अपनी कानों सुने जो है इंसाफ करेगा। क्यों भाई? क्योंकि जो कुछ सुना जाता है वो तो अदालतों में झूठा कर दिया जाता है, जो कुछ देखा जाता है अदालतें उसको झूठा कर देती हैं। इसलिए खुदावंद कहता कलाम कहता है कि वो ना आंखों देखे ना कानों सुने जो है इंसाफ करेगा। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अदल का तकाजा कि गुनहगार इंसान को गुनाह की सजा दी जाए और उसने अपने बेटे को भेजा कि वो मेरे और आपके लिए सजा को उठाए। खुदा की मोहब्बत का तकाजा यह है कि गुनहगार इंसान बच जाए, तो उसको बचाने के लिए भी खुदा ने दोनों अदल का तकाजा और मोहब्बत का तकाजा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर इस लानती सलीब पर उसने जान देकर अपने दोनों तकाजों को पूरा किया और हमें बचा लिया। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद हो। अगर खुदा यीशु मसीह स्लीप पर ना चढ़ाए जाते तो आज शायद जो चर्चेज में हम स्लीप देखते हैं और जो अपने गलों में हम पहनते हैं ये हमारा अजमत का निशान ना बनती। आज स्लीप जो मसीहों के लिए क्या है? एक अजमत का निशान है। हर मजहब, हर फिरके, हर अकीदे का कोई ना कोई निशान होता है, शनाख्ती, उनकी कोई शनाख्त होती है। कंवल का फूल बुद्ध मत का निशान है। हलाले अमर मुसलमानों का निशान, इस्लाम का निशान है। और यहूदियत में दाऊद का सितारा जो है ये उनका निशान है। मसीहों का निशान क्या है? सलीब। अगर आपने गले में स्लीप पहनी होगी तो दूर से पता चल जाएगा कि ये क्या हैं? मसीही हैं। क्योंकि स्लीप इस बात को वाजिया करती है जिसने ये मसीहत का निशान है। जो पहले लानत का था, मसीह ने इस लानत को जो है इसमें इज्जत और जो इसमें जो है बरकत में इस निशान को बदल दिया। अब ये इख्तसार के साथ मैंने सलीब की बात की। एक ज़बरदस्त बात मैं करना चाहता हूँ। मैंने ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों को आता नहीं है, सबको आती हैं ये बातें। अगर हो सके किसी के लिए नई हो, लेकिन हम अगर हम जानते हैं दोबारा सुन लेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, बल्कि हमें और बरकत पर बरकत मिलती है। तो सलीब जो है ये खुदा और इंसान का मिलाप है। अगर कोई ये पूछे सलीब क्या है तो सलीब खुदा और इंसान के मिलाप का निशान है। इफ़सियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत क्या लिखा है? उसने जदाई की दीवार को जो बीच में खुदा और इंसान के बीच में थी ढाकर क्या कर दिया? दोनों को एक बना दिया। हालेलुया, खुदा का शुक्र उसकी तारीफ हो। तो सलीब जो है ये मेरे और आपके मिलाप का निशान है कि दो जो लग लग थे खुदा ने उस इंसान को और खुदा को जो आपस में मिला दिया, जो खलीज बीच में वजह गुनाह के आ गई थी। तो सलीब क्या है? ये मिलाप का नाम है। सलीब खुदा की कशिश का नाम है। सलीब खुदा की कशिश का नाम है। आज दुनिया में कशिश बड़ी पाई जाती है जी। हर जो अट्रैक्शन वाली चीज है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। तो मैंने क्या बताया? सलीब क्या है? खुदा की कशिश का नाम है। कैसे पता चलता भाई? कोई वाला याद आ रहा है? यूना की अंजील 12 बाप उसकी 32 आयत,
क्या लिखा है किसी को याद है? जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो लोगों को अपनी तरफ क्या करूंगा? खींचूंगा। तो खींचना जो है ये कशिश है। अगर आपके पास जो है मैग्नेट हो और आप उसको लोहे की तरफ करें तो क्या चीज जो मैग्नेट पावर है वो उसको क्या करेगी? अपनी तरफ लोहे को खींच लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज है जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मौजूद है, जो ये कह रहा है कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो लोगों को अपनी तरफ क्या करूंगा? खींचूंगा। लोगों को अपनी तरफ खींचूंगा, वो क्या है ये? यानी वो कौन सी चीज है जिसने सलीब को पुरकशिश बना दिया? ये खुदा की मोहब्बत है जो सलीब पर जहर हुई। ये खुदावंद का खून है जो सलीब पर बहाया गया। ये वो कफारा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दिया, जिसने सलीब की कशिश को बढ़ा दिया। और आप गौर करें, आप यहां पर हम देखते हैं कच्चे सिकल की नफी हमें नजर आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर ग्रेविटी के लॉ को जो है बिल्कुल जो है जुटला दिया। आप कोई चीज फेंकते हैं तो क्या होती है? वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? बोलिए, क्यों आती है? नीचे। लेकिन यहां खुदावंद क्या कह रहा है? जमीन की कशिश को खुदावंद ने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो, बड़े की जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, खुदावंद ये कह रहा है जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो लोगों को, लोगों से मुराद मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, गैर है, सबके लिए उसने कफारा दिया। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी चौथी आयत पर पढ़कर देखें कि जब मैं, वो खुदावंद कहता है कि मैंने अपना कफारा तमाम जहानों के लिए दिया है। लेकिन कफारा उनको उनको फैज बख्शता है, उनको शफा देता है जो कफारे पर ईमान लाते हैं। क्या हम स्लीप पहनते हैं या स्लीप को उठाते हैं? स्लीप को पहनना एक अलग बात है और स्लीप को उठाना एक अलग बात हुआ करती है। आज बहुत से लोग सलीबे पहने हुए तो नजर आते हैं लेकिन सलीब उठाते नहीं हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे भाई? अपनी खुदी का इनकार करे। सलीबे वो लोग उठाते हैं जो खुदी का इनकार करते हैं। सलीबे वो लोग उठाते हैं जो मर जाते हैं। सलीबे वो लोग उठाते हैं जो गुनाह के तबार से मुर्दा और रूह के तबार से जिंदा हैं। वो लोग सलीबे उठाया करते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठाने का मतलब है दुख सहना। सलीब उठाने का मतलब है कि हम जो है दुश्मन के इलाके में जाकर हमारे ऊपर पथराव किया गया है, हमें संसार किया गया है। आज कहां है, कितने लोग हैं जो सलीबे उठाते हैं? खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप अपनी सलीब उठाएं। अगर आप किसी ऐसे महकमे में हैं जहां रिश्वत का पैसा खूब आता है और आप मसीह होने के नाते से वो रिश्वत का पैसा नहीं लेते तो आप क्या उठाते हैं? बोलिए भाई, सलीब उठाते हैं। अगर आपको मसलूब किया जाने वाला, संसार किया जाने वाला और इकरार करते कि आप मसीहत का इनकार कर दें और आप उस वक्त कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मसीही हूं और मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो आप क्या उठाते हैं?
ये बात है। हमको अक्सर मैं घरों में जाता हूं तो लोगों ने बाइबलें बंद की होती है, परछतियों पर रखी होती है, तो और स्लीप बाइबल उठाना भी पसंद नहीं करते। यानी राह चलते हुए अपनी बाइबल उठाना भी क्या है, ये लोगों के सामने बताते हैं कि वी आर क्रिश्चियन और ये स्लीप उठाना है। हम तो बाइबल को हाथ में लेकर चलना भी जो है ये भी गुवारा नहीं करते, बाइबल को उठाना शर्म समझते हैं। What kind of Christian we are? कोई देख ना ले कि हमने बाइबल हाथ में पकड़ी हुई है। कितने लोग हैं जो आते साथ अपना अपना हथियार अपने साथ लेके आते हैं। अगर एक सिपाही जंग में जाए और अपनी अपना वेपन्स ना लेके जाए तो क्या वो जंग जीतेगा? तो फिर हम तरक्की की बात करते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, आज मैंने आपके सामने जो है हम सलीब की बात कर रहे हैं। सलीब एक कशिश का नाम है। मैं खुदा का खादम होते हुए ये आपसे वाशगास लफाज में इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर आप सलीब को उठाए हुए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दुनिया की बादशाहत की कुवत, कोई अबलीसी कुवते आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आप जैसे अगर आपके अंदर सलीब है तो वो सलीब लोगों को खींचेगी। आप इस बात का अंदाजा करके देखें, अगर इफ यू आर अनाइंटेड वन तो मसा अपनी तरफ खींचता है। सलीब अगर आप उठाए हुए हैं तो सलीब लोगों को, अपनों को, गैरों को अपनी तरफ खींचेगी। लोग हमारे चेहरे को पसंद नहीं करते या लोग हमारी जिंदगी को देख के नहीं, बल्कि अगर यीशु हमारे अंदर है और यीशु की सलीब हमारे अंदर है, यीशु का मसा हमारे अंदर है, तो लोग खींचे हुए हमारी तरफ आएंगे। वाई ये हमारी खूबी नहीं है, ये सलीब की खूबी है। हालेलुया। जो सलीब उठाते हैं सलीब उनको उठा देती है। जो सलीब उठाते हैं सलीब उनको उठा लेती है। आइए हम दुख उठाना सीखें। खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम दुख उठाना क्यों नहीं पसंद करते, तुम घाटा खाना क्यों नहीं पसंद करते? तो व्हाट इज दैट? दैट इज क्रॉस। That is cross. तुम दुख सहना क्यों नहीं पसंद करते? दुख सहना क्या? क्रास है। तुम घाटा खाना क्यों नहीं पसंद करते? घाटा खाना क्या है? क्रास है। ये सलीब है। तुम अपने आप को छोटा क्यों नहीं बनाते? जो छोटा करना क्या है? सलीब है। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि अगर आप कुछ खुदावंद के लिए करना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप घरेलू खातून हैं, आप बैंक में हैं, वेयर एवर यू आर, आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ यहां से लेके जाएं, खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं, ऐ खुदावंद खुदा, मैं चाहती हूं और चाहता हूं कि तेरी सलीब मेरे अंदर आ जाए, तेरी क्रास मेरे अंदर आ जाए। अगर मैं बस में सफर कर रहा हूं तो मेरे अंदर इतना मसा हो कि लोग मेरी तरफ खींचें, वो महसूस करें कि ये पावर कहां से आ रही है, ये कौन सी चीज है जो मुझे खींच रही है। कहीं भी हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका किरदार आपकी सलीब बन जाए। एक वक्त तक मसीही लोग किरदार से पहचाने जाते थे, आज मसीही लोग जो जंगो जदल और लड़ाई झगड़े और जो अदालती मुकदमों से पहचाने जाते हैं। खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप अपनी सफों को दुरुस्त करें, खुदावंद के लिए काम करें। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप, दुनिया मर रही है, हम
खुदावन की सलीब उठाएं, सलीब कशिश है, खुदावन यीशु मसीह कशिश है। और ये कशिश क्या, ये अनाइंटिंग है, ये मसा है, मैं अपने बताया। अब इस बात को मैं एक नुक्ते से वाजिया करना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बात वाजिया हो जाए। जब खुदावन यीशु मसीह वीरानों में जाते थे, बियाबानों में जाते थे, तो लोग खिंचे चले आते थे। यहाँ चर्च में जो है हम लोग देखते हैं कि लोग यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन हम देखते हैं कि लोग वीरानों में, बियाबानों में चले आते थे। वाई? बिकॉज जीसस वॉज अनॉइंटेड वन। मसीह लोगों को अपनी तरफ खींचता है, सलीब अपनी तरफ खींचती है। जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं लोगों को अपनी तरफ खींचूंगा। खुदा ने सलीब पर साबित कर दिया। जब आप देखते हैं यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया तो फिल फॉर यह कलाम पूरा हुआ। दो डाकू जो है लान तान कर रहे हैं और जिसका जिक्र आपको मत्ती 23 बाब उसकी 44 याद मिलेगा। अक्सर कहते लोगों को ये नहीं पता कि कितने डाकू लान तान कर रहे थे। लोगों के जेन में है कि एक ही डाकू लान तान कर रहा था। नहीं जी, दोनों लान तान कर रहे थे, लेकिन सलीब पर कुछ हुआ। एक डाकू की जिंदगी सलीब पर बदल गई। और पहले दोनों लान तान कर रहे हैं और दूसरा जो है वो बदल गया। पहले जो लान तान कर रहा था तो फिर उसकी जबान बदल गई, उसके फिक्रे बदल गए। और जब इंसान बदल जाता है, जब इंसान खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो फिर उसकी जबान बदल जाती है। हालेलुया, उसकी जबान बदल जाती है। पहले दोनों डाकू लान तान कर रहे हैं, लेकिन सलीब पर कुछ हुआ। सलीब पर एक डाकू तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हुआ? जब उस डाकू ने पहला कलमा सुना, आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो डाकू हैरान हो गया। वो हैरान हो गया कि ये तो इनके जो है जिन जो इनको सजा दे रहे हैं, जिन्होंने सलीब पे चढ़ाया उनके लिए ये मुआफी मांग रहा है। ये इंसान नहीं हो सकता। और अब मेरे साथ रहिए, जैसे उस डाकू ने यीशु की तरफ देखा, देखे कि ये कलमा किसके मुंह से निकला मुआफी का, और यीशु ने उसकी तरफ नगाह की। जैसे डाकू ने देखा यीशु की तरफ और यीशु ने उस डाकू के तरफ देखा तो डाकू का जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो भरे की। जब हम यीशु पर नगाह करते हैं तो हमारा पारा पुराना इंसान मर जाता है। जब हम यीशु पर नगाह करते हैं तो जादू टूने से हम आजाद हो जाते हैं। जब हम यीशु पर नगाह करते हैं तो हमारी पुरानी क्रॉनिक डिजीजेस यीशु नाम से खत्म हो जाती है। जब हम यीशु पर नगाह करते हैं तो घाटा कसरत में बदल जाता है। जब हम यीशु पर नगाह करते हैं तो बीमारियां सेहत में बदल जाती हैं। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावन का गहरा मसक आप लोगों को छू रहा है। बीमार शफा पा रहे हैं, मोजात हो रहे हैं। हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो। ये है खुदा यीशु मसीह की सलीब। कितने लोग हैं, जब हिंदुस्तान और वहां के मुसलमानों की जंगें हो रही थी, कितने लोगों ने अपने गलों में सलीबें पहनकर जो है उनकी जिंदगियां बची। सलीब क्या करती है? बचाती है।
और ये ना सिर्फ उस वक्त की बात है, आज भी बचाती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। एक शख्स डूब रहा था, जहाज तबाह हो गया और उसको किनारा नजर नहीं आ रहा था, और जब एक छल ने उसको बहुत बुलंदी पर ऊपर उठा के फेंका तो उसे एक क्रॉस नजर आई और वो समझ गया कि इस तरफ क्या है, किनारा है। हालेलुया, जोरदार तालियां, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सलीब हमारे लिए सहारा है, डूबते वो के लिए किनारा है, डूबते वो के लिए, भटकते वो के लिए क्या है, एक राह है। उसकी सलीब से बहता हुआ लहू आज भी मुझे और आपको दावत दे रहा है कि मुझे और मत सताओ। अपनों ने, कल भी वो अपनों के हाथ जख्मी हुआ और आज भी वो अपनों के हाथ से जख्मी हो रहा है। कल भी अपनों ने अदालतों में घसीटा, आज भी अपने ही अदालतों में उसको घसीट रहे हैं। कल भी अपनों से खतरा था, आज भी अपनों से खतरा है। खुदावंद का बंदा पालूस कहता है कि ये अपने किरदार से, अपने पेट से, अपने चाल चलन से सलीब के क्या है, दुश्मन है। तो दुश्मन कौन जाने बचाएगा, ये किनके लिए, अपनों के लिए कहा जा रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, इफ यू आर बर्निंग विद दिस डिजायर, यू वांट टू सेव अनसेव सोल्स, देन मेक डिसीजन दिस इवनिंग। ऐसे हम मिल मिला के ना चले जाएं। आज की शाम बरकत की शाम है। खुदावंद कह रहा है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो जब खुदावंद ये कह रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो एक्चुअली खुदावंद क्या कह रहा है, भी जो शैतान के पीछे जाना चाहते हैं वो शैतान के पीछे जाएं। फैसला आज मेरा और आपका है, जो अबलीस के पीछे जाना चाहते हैं अबलीस के पीछे जाएं, और जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो मेरे पीछे आए। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस बात को हम पल्ले बांध लें कि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। अगर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो फिर हमें सलीब उठाना है। शहीदाने कार्थिज एक किताब है, और पुराने वक्तों में मसीहों पर जो अर्ली चर्चेस था बहुत दुख ढाया जाता था, और एक मकाम था वहाँ पर जो है उन लोगों को जो के बाल या तस्वीर थी खुदा यीशु मसीह की सलीब थी कि उसके ऊपर थूकना था, और जो उस पर थूकते थे और वो बच जाते थे। लेकिन वहाँ पर एक बच्ची थी, जब उसकी बारी आई तो जो लोगों ने उसके ऊपर थूका हुआ था वो गई, आंखें बंद करके उसने दुआ की, और बंद करने के बाद उसने अपने कपड़ों से जो है उस सलीब को जो है उसको जो थूका गया था, वो जान बचाने वालों ने उस पर थूका था, उस बच्ची ने अपने कपड़ों से जो है उस सलीब को क्या कर दिया, साफ कर दिया, और वो सिपाही उस बच्ची के ईमान के वसीला से बच गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कहां हैं, हम किस किस्म के मसीह हैं, हम किस किस्म के क्रिश्चियन हैं? हम तो छुपते हैं, हम अपने आप को छुपाते हैं। हवाला नए अदनामे का बोला जाता, पुराने अदनामे में ढूंढ रहे होते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सलीब उठाते नहीं हैं। शिगर्दियत की कीमत सलीब उठाना है। एक
फैमिली का वाकया बता रहा हूं जो सलीब की वजह से उनको कत्ल किया गया। वहां पर एक खातून है, उसका मियां पहले खुदामंद की राह में सो चुका है और उसको ये कहा गया कि अगर आप खुदामंद खुदा पर उसकी सलीब पर लानत भेजे तो आप बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि तू कितनी ईमान में, एक खतून से वो कहा जा रहा है कि हम देखते हैं कि तू कितनी खुदामंद में मजबूत है। उसका जो छोटा बेटा था 6-7 साल का, सिपाही ने पहले नेजा उसके पेट में मारा और बच्चे को हवा में लहराया लेकिन मां के चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, अब वो खुदामंद का शुक्र कर रही है। फिर वो हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी दूसरा बेटा, अभी देखते हैं कि तू कितनी अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर कितनी मजबूत है। तो जब दूसरे बेटे को भी उसी तरह से उसके पेट में नेजा घोंपा गया और हवा में लटकाया गया तो उसकी मां को देखा तो वो हिल गई। उसने उस लम्हे एक दुआ की। डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं वो दुआ क्या थी? उसने खुदा की शुक्रगुजारी की, आए खुदावंद खुदा, आए आसमान के खुदा, आए कलवरी के शहजादे, मैं तेरा शुक्र करती हूं कि मेरे दोनों बेटों ने मेरी आंखों के सामने तुझ पर ईमान रखते हुए तेरी खातर कुर्बान हो गए हैं, अब मैं ईमान के साथ अपनी जान भी दे सकती हूँ। हालेलुया, ऐसी माओं को मैं सलाम पेश करता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज बच्चे बिगड़े हुए हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है, हमारे घरानों का हाल तबाह बर्बाद हो चुका है, सर से लेके चांद से लेके तलवे तक कहीं सुकून नहीं है, वक्त सड़े हुए घाव हैं, जख्म हैं, ना बांधे गए ना जो है उन पर तेल लगाया गया। आज दुनिया पुकार रही है, मेरी बहन मेरे भाई आज उठे, खुदा उनकी सलीब को उठाएं, खुदा के कलाम को ले और दुनिया के जख्मों को जो सेप्टिक हो चुके हैं, अनकरीब है कि वो जख्म कैंसर में बदल जाएं। खुदा मन चाहता है कि हम उनके पास जाएं, जाके आप हाथ ही रखेंगे तो उनके जख्म सही हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल का खुदा जो है वो तब्दीली का खुदा है। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आज मैंने